राज्यरे विजु छात्र जनता दलर सांगठनिक स्थिति को लोकाभिमुखी और मजबूत करने आज शंख भवन ठारे परिवर्धित कार्यकारिणी बैठक अनुष्ठित हो सामाजिक कार्यक्रम नियोजित हो रक्तदान वृक्षरोपण करथिबारु धन्यवाद जणाइछन्ति मुख्यमंत्री। आदर्श विद्यालय निर्माण कर 5000 हॉस्टल निर्माण सहित अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री को पढ़ाइथिबारु मुख्यमंत्री को धन्यवाद देछि दल। संघीय व्यवस्था रे केन्द्र स्कॉलरशिप ह्रास करथिबारु सचेतन करबा सह आंदोलन करिवो विजु छात्र जनता दल। ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापन पै दाबी करबा सह केन्द्र न सुनिले जोरदार आंदोलन करा जिवो। यासह कार्यकारिणी पारित होइतिबा विभिन्न प्रस्ताव को विजु जनता दल राज्य सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अवगत कराइछन्ति। राजनैतिक सांगठनिक संकल्प और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होइछि। पिलाउ छात्र संगठन सह ओडिसा रे शिक्षा भित्तिभूमि विकास पै कार्य खसड़ा प्रस्तुत करा जाइछि। नवीन ओडिसा गठन पै छात्र छात्री मानक भूमिका कोन रहिबो सेने उद्बोधन माध्यम रे कहिछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। रक्तदान शिविर हो वृक्षरोपण कार्यक्रम हो एवं हेल्प डेस्क माता मान समस्या को कमी समाधान करें गोटे ब्रिज भाव समन्वय सेतु भाव काम कर मुख्यमंत्री सबू छात्र जनता दल कर्मकर्ता अशेष अशेष कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करविन्न प्रकार संकल्प पारित होमर धन्यवाद प्रस्ताव में मुख्यमंत्री जो भाव प्रत्येक ब्लक ओएबी निर्माण कर 5000 हॉस्टल निर्माण कर 5 लाख रु ऊर्ध अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्री मानू प्रोत्साहन और गुणात्मक शिक्षा प्रोवाइड कर जो मैंने सरकारी स्कूल में पाठ पढ़े 15% रिजर्वेशन केमती प्रोवाइड करतीपाई प्रिय मुख्यमंत्री व्यवस्था कर कृतज्ञता धन्यवाद प्रस्ताव में पारित हो राजनीतिक प्रस्ताव से भाव जो भाव संघीय व्यवस्था आमर स्कॉलरशिप स्कीम जो भाव केन्द्रीय अनुदान ह्रास पाँच जो रेशियो थी बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार निर्वाचित होलापे जो भाव से रेशियो को कमई 10-90-10 रेशियो को 60-40 पिला पाखे गोटे सजाग और सचेतन बार्ता पहुँचा से गोटे दुर्बार आंदोलन विजु छात्र जनता दल नेतृत्व में समग्र ओडिशा केमती क्रियाशील कर नेतृत्व नव विजु छात्र जनता दल एस आम ट्राइबल यूनिवर्सिटी जेहेतु ओडिशा रे एक चतुर्थांश भाग हो आदिवासी जनजातिर जनसाधारण से ट्राइबल यूनिवर्सिटी के भाव गोटे स्थापना कर प्रत्येक ब्लॉक रे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापन करविन्न दाबी आम केन्द्र सरकार पाखे उपस्थापन करूँ जदि आम न्याय दाबी को संघीय व्यवस्था जदि न्याय न मिले तेल छात्र जनता दल गोटे दुर्बार आंदोलन समग्र ओडिशा गढ़ी तोल। आज आपण मु प्रत्येक छात्र समाज युव समाज और ओडावासी जो कह चाहे छात्र संसद निर्वाचन स्थगित अच्छी आम समस्ते अनुभव करुचु गोटे लार्जर इंटरेस्ट को आखि आगे रखी बृहत्तर स्वार्थ को आखि आगे रखी जो भाई भाव प्रॉपर्टी लॉस लाइफ लॉस जितेबाला कॉलेज निर्वाचन अनुष्ठित होता जेहेतु घटुला से हिंसापूर्ण परिवेश को गोटे सुंदर शैक्षिक वातावरण पुन थे फेरी आसे निश्चिंत भाव राज्य सरकार पुन थे पुनर्विचार करेंगे और विजु छात्र जनता दल सब निर्वाचन सपक्ष में मत सब्यस्त करती है विजु छात्र जनता दल सब प्रस्तुत अच्छी कहीं जो पर्यंत निर्वाचन अनुष्ठित होता अबव 90% रिजल्ट 95% रिजल्ट विभिन्न कैंपस विजु छात्र जनता दल क्रियाशील हो गठन करुला किंतु विभिन्न छात्र संगठन आज दायित्व नहीं कैंपस कमिटी गठन कर शैक्षिक वातावरण धीरे धीरे पुन थे पुनर्वास स्थापन होवार लगी पिला भितर जो समस्या को राज्य सरकार पाखे उपस्थापन करार दायित्व कैंपस कमिटी माध्यम विजु छात्र जनता दल करुच्छे से भाई भाव विभिन्न छात्र संगठन निज निजर कैंपस कमिटी गठन करी केमी गोटे सकारात्मक विरोध दल भूमिका ग्रहण करेंगे सी तर दायित्व निर्वाह कर छात्र नेता सफल छात्र नेता आप जब ओडिशार इतिहास को तन्न तन्न कर निरीक्षण करेंगे सफल छात्र नेता ओडिशार प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेतृत्व में ही बाहर आपण जिते सफल छात्र नेता देखिए ओडिशा रे आज राजनीति करुछंती विभिन्न स्तर अच्छा अधिष्ठित अच्छा सरकार से प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेतृत्व में बाहर छात्र नेता बाहर विभिन्न प्रकार सुजोग सृष्टि कराऊ वातावरण सृष्टि कराऊ कैंपस कमिटी गठन कर छात्र मान समस्या को जदि आम सम्मुख राज्य सरकार को सामना को आनीपरबू दृष्टि आकर्षण कर सल्यूशन बाहर करूँ निर्जास बाहर करूँ आलोचना करें छात्र नेता बाहर किसी समस्या ना बोधे मुझे भावुँ आमर संविधान प्रति गणतंत्र प्रति संपूर्ण भाव भरोसा आस्था अच्छी
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ନଗ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ହିଂସାର, ଅହିଂସାର, ଅହିଂସାର ଏବଂ ଅହିଂସା ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଫେରିଲେ ଛାତ୍ର ସମିତିର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହେବ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ଛାତ୍ର ନେତା ନୂତନ ତିଆରି ହେବାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା, ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଛାତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମୁଖୀ ନ କରି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ନ ରଖି ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ, ଆଜି ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛି। ସେ କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରର କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ନାକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ରେଡେସନ୍ କରିଛି, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣୋଦିତ, ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର, ପ୍ରଫେସର୍ସମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, 10 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିବ, 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ହାଇ ଅଣ୍ଡର ଦ୍ୟ ଅନରେବୁଲ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବା ହେଉ ବା ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମର ରେଗୁଲାର ରୁଟିନ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।